हेलो एंड वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज वेलकम है आपका मेरे चैनल सागर ब्लॉग चैनल में। तो आ गए हम एक नई जगह पर, नई लोकेशन पर, नई वीडियो लेकर। तो चलो मिलते हैं मेरे दोस्त से पहले, फिर उससे पूछते हैं क्या करने वाले हम। तो ये है, हाय गाइस। तो जानते ही होंगे आप, यह है पीयूष राज, मेरा दोस्त। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? आज यार हम जैसा कि हमेशा नई नई जगह पे आते हैं ना, तो आज हम खेत खलियान वीडियो में ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये भी मतलब पंतनगर में खेत खलियान की कमी नहीं गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे खेत खलियान बहुत सारा सा है। बट हम ये तो आपको दिखाएंगे, पर एक यहाँ पे वो है, एक क्या ना जगह छोटी सी है ना, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है वो। तो आज मेरा प्लान है वहाँ पर गवर्नमेंट एरिया है वो, कहने को तो ऐसा बोल सकते हैं, बट काफ़ी टाइम से बंद है। और हमें हिस्ट्री आने में अच्छा लगता है गाइस। वैसे हम आते हैं उसके बाहर ही बाहर आते हैं कभी, पर आज हम सिर्फ आपके लिए उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, एक बार देखने की कोशिश करेंगे उसके अंदर कैसा होता है, क्या है। मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर जाने का रास्ता है, पर वहाँ वो जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। और हम जाने की कोशिश करेंगे फिर भी। तो गाइस चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं क्या है ये स्लेटर हाउस, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, बंद एरिया में देखते हैं, चलते हैं आगे। तो फिलहाल मैं आपको इधर का दिखाता हूँ, हमारे ये खेतों में क्या क्या हो रहा है। गाइस धूप यहाँ पे इतनी तेज हो रही है, देखिए, और इतनी धूप में ट्रैक्टर चल रहा है, तो नज़ारा दिखाओ। तो गाइस ये देखिए, यह है फार्मिंग एरिया, खेत खलियान, टावर, और ये मेरे दोस्त। गाइस गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर आप देख पा रहे हो, इतना पसीना हो रहा है माथे पे, और बहुत गर्मी है। फिर भी आपके लिए सिर्फ हम वीडियो लेने लाने के चक्कर में रोज़ शूट करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इतनी गर्मी में चक्कर में कैसे मेहनत कर रहे हैं गाइस, इसी जगह दिखाओ कितना बड़ा एरिया है गाइस, बहुत बड़ा एरिया है। जैसा कि पंतनगर ने आपको बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ कि मतलब कृषि हमें खेत है यहाँ पर, मतलब कृषि का काम बहुत ज़्यादा ही है। अभी वो देखिए सिर्फ धूप में एक मेहनत करना कोई आसान काम नहीं है गाइस, हम जैसे कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, पर लोग करते हैं जिनको ज़रूरत है करने की गाइस। चलो ट्रैक्टर वाले से बात करके आते हैं, आओ पूछते हैं भैया क्या हो रहा है, बात करेंगे हम, फिर देखते हैं, पूछ लेंगे कि क्या बो रहे हैं इस खेत में। तो गाइस चल रहे हैं हम ट्रैक्टर के पास, और जो ट्रैक्टर में भैया बैठे हुए हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे। देखिए ये है न्यू ट्रैक्टर का नाम है। और कैसे हैं भैया आप? हम ये कह रहे हैं भैया कि आप कब से काम कर रहे हैं, बताइए हमें। जैसा कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अब पहली बार पब्लिक प्लेस में आके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने कहा था ना बार बार हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तो इसमें क्या बोया जाएगा भैया? बोया जाएगा नहीं, वो दिया गया। अच्छा, तो इसमें आप ट्रैक्टर से मतलब क्या कर रहे हो ये बताओ यार, सब वीडियो हमारी। इसमें हमने क्या नाम है, ये एक स्कीम चलती है स्टूडेंटों की पढ़ाई की। अच्छा अच्छा, तो उनने इसमें बोया है। अब बताइए बताइए बताइए, स्टूडेंटों की क्लास चलती है ना इसमें, तो इसमें बाजरा बोया हुआ है, और अब वो बो के चले गए हैं, अब इसको हम दबा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी जब जमेगा तब उनकी क्लास चलेगी, उन्हें पढ़ाई होगी, कितना क्या होगा। अच्छा, तो इसमें मतलब होने में कितना समय लग जाता होगा बाजरा को, ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ, तैयार होने में? अब ये तो स्टूडेंट लोग बता सकते हैं, हमारा काम तो जो हमें बता के जाते हैं। बहुत ही मेहनत का काम है कि नहीं? हाँ, मेहनत का काम तो है ही है। तो आपकी ड्यूटी मतलब कब ख़त्म हो जाएगी? हमारी ड्यूटी 2 बजे से शुरू होती है और चलती है 10 बजे तक। अच्छा, तो थैंक यू। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हमने वीडियो शूट किया है, बता रहे हैं बहुत हार्ड काम है। अभी बहुत बड़ा खेत आपने देख लिया होगा जैसा वीडियो में, और हम बाकी आपको वीडियो और दिखाता आगे। तो गाइस देखा आपने, अभी हमने ट्रैक्टर भैया वाले भैया से बात की थी, उन्होंने बताया यहाँ पर क्या बोया गया है और कितने टाइम में हो जाएगा, और कौन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें दे पाएगा। फ़िलहाल तो कोई स्टूडेंट से हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा अभी हम इंफॉर्मेशन आपको दे नहीं सकते इसके बारे में। तो अब आ गए हम नेक्स्ट स्टेज पे, देख लीजिए ये है स्लेटर हाउस। चलिए अंदर से शूट करते हैं, आइए। हाँ, इसके अंदर चलते हैं कि हम गाइस, जैसा कि हम इसके अंदर आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में थोड़ा मेरा दोस्त कवर कर रहा है, क्योंकि हम पे थोड़ा एरिया ऐसा ना, और हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, हम पे अभी ऐसा कोई कैमरा नहीं कि हम इतनी तगड़ी क्वालिटी ला के दिखा सके आपको। फिर भी कोशिश करके थोड़ा बताया कि यहाँ पर अंधेरा बहुत है गाइस। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ यहाँ पर अंधेरा बहुत है, ठीक है। पता नहीं आपको इतना वीडियो में दिख पा रहा होगा, दिख पा रहा होगा, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता हुआ है, ठीक है। आइए देखिए। तो गाइस जैसा कि मैं आपको लेते आ रहा हूँ, आगे देखिए, ये आगे क्या है, कुछ बिजली का सामान ऐसा लगता है ना। आगे बिल्कुल एकदम खतरनाक है यार, बिल्कुल यार यहाँ पे एकदम हॉरर टाइप, यहाँ पे हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है ऐसा लग रहा है। अरे कोई आ रहा है यार, कोई आ रहा है, शूट कोई आ रहा है। अरे हाँ भैया, भैया यहाँ हम थोड़ा ब्लॉग। अरे भैया मारो मत, मारो मत। अरे भैया मारो मत, बाहर बाहर बाहर। अरे भैया बात तो सुन लो, बाहर बाहर, सीधा बाहर। अरे सीधा बाहर। अरे भैया भैया बात सुनिए आप हमारी, बाहर। अरे एक मिनट, आप बात तो सुनो हमारी। कोई बात नहीं, बाहर तो अच्छा मारो मत, पर बात तो सुन लो आप। वैसे मारिए मत, आप बात सुनिए पहले ज़रा, क्या बात हो गई बताइए। यहाँ कैसे घुस गया? हमने देखा सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्तियाँ, बिना पूछे बिना परमिशन के घुस गए। तो भैया हमें पता नहीं था, इसमें परमिशन लेनी पड़ती। अरे भैया मारो मत उससे, प्लीज़ मारो मत यार, मतलब कोई कर रहे हैं बस कुछ, मतलब हम जानना चाहते हैं इसके बारे में क्या क्या है करके ना। ये स्लेटर हाउस है, तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है क्या? नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा सीट रखा है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ। आप कौन हो? लकड़िया ओवन है। आप कौन हो? हम गार्ड हैं यहाँ के। कोई परमिशन लेनी पड़ेगी हमें किसी से? यहाँ हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। हाँ जाओ ऑफिस से लिखवा के लाओ। अच्छा घुस जाओ, ऐसे नहीं घुस सकते, चलो बाहर आओ। अरे भैया प्लीज़ सुनिए, हम आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत दूर से। अरे भैया बात तो सुनिए। तो गाइस जब देखा आपने अभी ऐसा कि वीडियो हमारे संग क्या हुआ, तो ये मेरा दोस्त है सागर, ये काफ़ी डर गए क्योंकि अभी उनके कैमरा में डंडा मारने की कोशिश की उन्होंने, जो चौकीदार यहाँ पे थे, पर किस तरीके से बात करी उनसे, मतलब हमने बाहर को आगे, उन्हें बाहर आने के लिए बोल दिया, हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ परमिशन नहीं आने की। तो अभी हम दोनों दोस्त बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा डर गए हैं क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, हमें परमिशन हर जगह जाने की लाइफ में लेनी पड़ती है, बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो थोड़ी गलती हमारी भी है, खैर कन्वेंस करेंगे। अभी वो बाहर आ गए, जैसे हमारे सामने थोड़ा दूर पर खड़े हैं उनसे, हम उनके पास जाते हैं और फिर उनको मतलब सॉरी तो बोल ही देते हैं गाइस, कम से कम ना कोशिश करते हैं कि उनको मतलब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। भड़क तो गए हैं, फिर भी आना तो पड़ेगा गाइस, एक बार और जाते। क्या बात है, आप गुस्सा क्यों करते हैं हमसे एकदम अचानक ही? बिना परमिशन नहीं, आपकी बात तो खैर ठीक है, पर संडे का दिन है, मेरे को छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, सरकारी प्रॉपर्टी है, बिना लिखवाए इसके अंदर नहीं घुस सकते, कहीं भी नहीं घुस सकते इस एरिया में। नहीं जैसे कि आप सही बोल रहे हैं, पर क्या नाम है, हमें पता नहीं था ना, इस चक्कर हमने आपके पास आ गए थे। कल हमारे फार्म ऑफिस में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखवाइए, कागज पर लिखवाइए कि हमें यहाँ यहाँ अपनी फोटोग्राफी करनी है, अच्छा हमें परमिशन दीजिए। ये देखिए भी क्या मिल जाएगी, तो हम आपको कहीं मना नहीं करेंगे। हम अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो हम बहुत मारते हैं, मतलब मारने वाली बात कि हम तो खाली शूट करते, मतलब पब्लिक का हम यूट्यूबर है ना। नहीं होता शूट वूट, कुछ नहीं होता है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट थोड़ा ना, जहाँ मर्जी घुस जाओगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने हमें बता दिया। हमको सरकारी ट्रैक्टर चल रहा है सामने। हाँ अभी उन भैया से हमने आगे बात भी करी थी, प्रोजेक्ट का खेत है, पूरा प्रोजेक्ट का खेत है। पर आप गुस्सा मत होइए, देखिए हम लोग यूट्यूब पर हम वीडियो बनाते हैं, अभी आपकी शूटिंग कर रहे हैं। गलत मत करो, गुस्सा मैं नहीं हूँ, गलत मत करो, चलिए ठीक है। अच्छा मैं यूट्यूब में डाल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? डालो डालो, जहाँ डालो, ठीक है, आप गुस्सा मत होइएगा। और हम अब आएंगे, नेक्स्ट टाइम कहीं आएंगे परमिशन से आएंगे। ये जो यूनिवर्सिटी में हमारे क्या क्या हो रहा है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हम बता रहे ध्यान रखना। हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना यूट्यूब में, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हमारे में क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर, हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। संडे का दिन है, संडे को नहीं होता है, मंडे को आइए, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम देंगे। तो गाइस जैसा कि आप फार्म ऑफिस वाले देंगे, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अभी इनको कन्वेंस कर लिया है अपनी बातों में, और इन्हें हमें बताया कि आप आज ना छोड़ के कल को आए, हम फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे गाइस, पर दिखाएंगे आपको फिर भी ज़रूर। और अभी गार्ड साहब काफ़ी भड़क गया था, वो खुद होकर जा चुके हैं। छोटी छोटी बातें होती रहती, पर गाइस हम आपके लिए सारा रिस्क लेंगे। ये मेरा फ्रेंड सागर और मैं पीयूष, आपके लिए इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे मतलब बनाने की, भले कोई रूठे या जग छूटे। आज पहले मैं सच में डर गया था तू। अरे भाई पिछवाड़े में डंडा मारते इतना मोटा, यार डर तो मैं भी गया था सच में, मैंने क्या कुछ भी हो सकता है करके, मैं एकदम डर लग गया था मैंने, अब क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा लग रहा था मुझे ना। पर कोई नहीं, उनका कहना भी सही है भाई, बात नहीं, हम लोग ने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। अगली बार जब हम भी लोग ब्लॉग शूट करेंगे या वीडियो बनाएंगे, तो हम पहले परमिशन को पता करेंगे कि कहाँ से परमिशन मिल सकती है, हम वहाँ से परमिशन लेकर फिर हम अंदर घुसेंगे, ऐसे कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और गाइस इतने रिस्क के लिए कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। देखिए हमने आज कितनी बातें सुनी है और एक छोटा सा लाइक चाहिए आपका, छोटा सा सब्सक्राइब चाहिए। आप वीडियो देखते हो कम से कम वीडियो थोड़ी बहुत देखिए तो हमारी आगे के चैनल पर कैसी है। हम सब कुछ रियल बना रहे हैं गाइस, ये सब कुछ रियल वीडियोज़ बना रहा है, आपको दिखा रहा है पंतनगर कैसा है रियल लाइफ में। देखिए और इन्जॉय करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।